खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। रोज रोज का खाना खाते गाते दिल कुछ ऊब सा जाता है, तब दिल करता है कि कुछ ऐसा खाना खाया जाए जो रोज रोज नहीं खाते। वो कौन सा खाना होता है? कुछ चटपटा, कुछ मजेदार खाना। तो हम होटल रेस्टोरेंट जाकर कुछ नया खाना खाते हैं, कुछ ऐसा खाना जो घर पे नहीं खाते हैं। खैर, कुछ नॉर्मल मील्स होते हैं, जैसे लंच डिनर में हम बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। फिर भी कुछ चटकारे लेने का दिल करता है, कुछ ऐसी चीज़ें खाने का दिल करता है जिससे मुंह में बात करते करते पानी आ जाता है। खैर, ऐसा खाना क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाम है चाट। चाट के नाम से आ गया ना मुँह में पानी। चाट का पूरा एपिसोड है। देखते रहें खाना खजाना और बढ़िया बढ़िया चाट की रेसिपीज़। गोलगप्पे कैसे घर पे बना सकते हैं, सिर्फ पानी नहीं गोलगप्पे भी कैसे बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। राज कचौड़ी है और डिशेज हैं, देखते हैं क्या क्या है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका आज के चाट स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कुछ चाट की रेसिपीज, ऐसी रेसिपीज जिसको सड़क के किनारे खाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन डर सा लगा रहता है कि पता नहीं कैसा होगा, कुछ हाइजीनिक कंडीशन में बना होगा या नहीं होगा, खा के कहीं पेट तो नहीं ख़राब हो जाएगा। फिर भी खाने का दिल करता है, वहां जाकर खाते हैं और फिर पछताते हैं। अब बिल्कुल ना पछताएं, क्योंकि घर में ही आप सारी चीज़ें बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं राज कचौड़ी से, बहुत पॉपुलर है। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये है, ये जो कचौड़ी सी है ये कैसे बनाई जाए। बड़ी अच्छी होती है, काफ़ी हार्ड है, क्रिस्प है, कड़क है। इसको कैसे बनाना है इसको शुरुआत करते हैं हम। चलिए, इसके लिए घी या तेल आप एक कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दें, और इसे बनाने के लिए सूजी का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जो सूजी आप लें एकदम महीन वाली सूजी लें, एकदम बारीक वाली सूजी लेनी है। ये ले लें। चलिए पहले सूजी और मैदा मिक्स कर लेते हैं, जितनी सूजी उतना मैदा, और इसके साथ इसमें डालें लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर के बाद इसमें डालें नमक। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे हमने गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लें और एकदम सख्त गूंदना है हमने इसे। अब देखिए, लाल मिर्च की वजह से इसमें जो रंग है वो एकदम अच्छा रंग आया है, और अब ये तैयार हो गया है। इसे कुछ देर तक रख देते हैं। जब तक थोड़ी देर तक इसे रखते हैं हम, मैं एक और आटा आपको गूंद के बता देता हूं, और वो है गोलगप्पे का आटा। ये तो राज कचौड़ी शुरू की है, लेकिन चाट में अगर गोलगप्पे पानी पूरी का मज़ा ना आए तब तक लगता ही नहीं है कि चाट खाइए। पानी बाद में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि ये तलने की बारी है तो सारी चीज़ें इकट्ठे ही तल लेते हैं। और ये हम बनाएंगे सूजी के गोलगप्पे। उसके लिए तो बहुत आसान है, जो सूजी है एकदम महीन वाली सूजी आप लें, और उसमें थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसे हमने गूंद लेना है। ये भी जो आटा है इसे भी एकदम सख्त गूंदना है हमने। अब ये जो राज कचौड़ी है जिसका हमने आटा गूंदा है, सूजी मैदा लाल मिर्च और नमक डालकर, उसको बेलना है। इसके लिए पहले पेड़ा बना लेते हैं हम, और इसको बेलने के लिए तेल लगा लें, और जिस तरह से पूड़ी बेलते हैं उसी तरह से इसे बेलना है हमने। और अब तलने के लिए जो तेल है आप उसे थोड़ा गर्म कर लें। जैसे ये ऊपर आए आप इसे हल्के हल्के इस तरह से हिलाएं और पूरा फुला लें, ये देखिए। और अब गैस को धीरे कर दें और इस तरह से इसे तलते रहें। इस वक्त ये जो तेल है इसको आप थोड़ा ठंडा कर लें, चाहें तो आप इस समय गैस से उतार भी सकते हैं, क्योंकि अब इसे हमने थोड़े ठंडे तेल के अंदर तलना है। अब देखिए, ये जो कचौड़ी है वो एकदम बढ़िया लाल तैयार हो चुकी है और क्रिस्प भी। और अब इसे हम निकाल लेते हैं, और अब बारी आती है गोलगप्पे बनाने की, पानी पूरी बनाने की। और उसके लिए जो हमने आटा गूंदा है वो हम ले लेते हैं, उसके छोटे छोटे पेड़े
जैसे राज कचौड़ी बेली थी, लेकिन उसे तो हमने काफ़ी मोटा रखा था, इसे उतना मोटा नहीं रखेंगे हम। उसी तरह से आँच धीमे करके अब इसे भी हमने हल्की आँच पे पकाना है। अब आप देख रहे हैं जो गोलगप्पे हैं, इसे हमने धीमी आँच पर एकदम क्रिस्प किया है। इसी तरह से बाकी जितने गोलगप्पे हैं आप तैयार कर लें। देखिए एकदम लाइट है, क्रिस्प है, ठंडा होने दें और क्रिस्प होगा, और उसके बाद इसमें बहुत कुछ डाला जा सकता है। क्या डाला जा सकता है इस कचौड़ी के अंदर, इन गोलगप्पों के अंदर? बहुत कुछ डाला जा सकता है, अभी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज कचौड़ी की पूरी के लिए एक कप सूजी, एक बड़ा चम्मच मैदा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और तलने के लिए तेल। इसके लिए आप सूजी में मैदा, लाल मिर्च पाउडर, नमक और पानी डालकर इसे गूंदें और इसका सख्त डो बना लें। अब इसके 6 बेड़े बनाएं और इनके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे बेलकर इसकी पूरी बनाएं और तेल में धीमी आंच पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तलें और इसे निकालकर इसको इस्तेमाल करें। पानी पूरी की पूरी बनाने के लिए 1 कप सूजी, नमक स्वादानुसार और तलने के लिए तेल। इसे बनाने के लिए सूजी में नमक और पानी डालकर इसे मिलाएं और इसका सख्त आटा गूंद लें। अब इसे कुछ देर तक रखें और इसके बाद छोटे छोटे पेड़े बनाकर इसे बेल लें और इसे तेल के अंदर सुनहरा होने तक तलें और टिश्यू पेपर पर निकाल कर ठंडा करके इस्तेमाल करें। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर आज के चाट स्पेशल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि राज कचौड़ी की कचौड़ी कैसे बनती है और पानी पूरी यानी गोलगप्पे कैसे बनते हैं। गोलगप्पे का पानी बाद में बनाएंगे, पहले देखते हैं कि राज कचौड़ी में क्या क्या डाला जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें लोग डालते हैं और बहुत फेमस हो चुकी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो राज कचौड़ी है आप देखिए एकदम काफ़ी क्रिस्प है दोनों तरफ से, और बीच में से इस तरह से नॉर्मली तोड़ दिया जाता है इसे, और अब इसके अंदर बाकी कुछ डालेंगे। क्या क्या डाल सकते हैं, शुरुआत करते हैं एकदम सिंपल आलू से। ये आलू जो है हाथ से थोड़ा सा उबला हुआ आलू मसल के इसके अंदर डालते हैं, और इसके साथ इसमें आप डालें उबले हुए मूंग या मोठ, इसके साथ साथ चना, उबला हुआ चना मसाले में लगा हुआ। मसाले में आप नमक, नींबू, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये सब डाल सकते हैं। इसके साथ इसके अंदर पापड़ी डाली जा सकती है, जैसे हमने गोलगप्पे बनाए। पापड़ी बनाने के लिए या तो जो गोलगप्पे फूले नहीं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो पापड़ी बनाने के लिए जब आटा गूंदें तो थोड़ा सा उसके अंदर घी या तेल डालें और उसको बेलने के बाद थोड़ा सा कांटे से 1-2 छेद कर लें, वो फूलेंगे नहीं। और अब फेंटी हुई दही के अंदर कुछ पापड़ी भी इसके अंदर डाल देते हैं और दही भल्ले, दही में डुबोकर हल्का सा तोड़ लें, और अब इसे डालते हैं इसके अंदर। दही में डूबे हुए दही भल्ले डालने के बाद में इसमें हम कुछ मसाला डालते हैं। पहले भुना हुआ जीरा पिसा हुआ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, नमक काला नमक डालते हैं इसमें हम, लाल मिर्च पाउडर, और अब इसमें डालते हैं पहले मीठी चटनी। ये जो चटनी है आप इमली की चटनी और गुड़ की चटनी इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इमली और खजूर की चटनी इसमें डाल सकते हैं। ये मीठी चटनी मेरे तो बनाते बनाते मुंह में पानी आ रहा है। इसके साथ साथ दही, उसके बाद हरी चटनी यानी पुदीना, धनिया और हरी मिर्च। हरी मिर्च जितना ज़्यादा डालेंगे उतना बढ़िया स्वादिष्ट टेस्ट आएगा। थोड़ा सा नींबू का रस, एक बार फिर थोड़ी लाल मिर्च, और ऊपर से सेव, थोड़ा हरा धनिया, एक बार फिर थोड़ा जीरा, और अब आप चाहें तो इसको इसी तरह से सर्व करें। जिसको पूरा खाना है तो पूरा खा सकते हैं, नहीं तो शेयर भी कर सकते हैं। कैसे खाना है वो भी मैं बता देता हूँ, खैर इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि मैं इसको खा सकूँ। हाँ, ये देखिए कितनी क्रिस्प ये चीज़ बनी है, इसकी जो बाहर की कवरिंग है बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। आप लोग क्या इंतज़ार कर रहे हैं,
आप भी जाइए बनाइए राज कचौड़ी और खा के देखिए कितना मजा आता है। चलिए नहीं तो मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ आपको, बढ़िया बढ़िया चाट खिलाता हूँ। और उसके बाद भूलिएगा नहीं, आपने देखा है पानी पूरी, लेकिन उसका पानी कैसे बनाते हैं वो देखेंगे ब्रेक के बाद। चलिए पहले तो थोड़ी सी चाट पकौड़ी खा के आते हैं। भारतीय भोजन और चाट का चोली दामन का साथ है। जब भी हम बाजार में घूमने या शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है चाट पकौड़ी के स्टॉल्स और ठेलों पर। हम कितना भी मनाएं अपने आप को, लेकिन फिर भी चाट के बिना रहा ही नहीं जाता। कभी कभी तो हफ्ते में 2-3 बार चाट हो जाती है। भारतीय खाने में वैसे तो काफी चटपटापन है और तरह तरह की चटनियाँ हमारे खाने का अभिन्न अंग है। वैसे चटनियाँ पाचन प्रक्रिया में भी सहायता करती हैं, लेकिन चटनियों का तालमेल चाट के साथ एक अद्भुत ही स्वाद पैदा करता है। शायद इसीलिए मुझसे भी रहा नहीं जाता चाट पकौड़ी के बिना। राज कचौड़ी की फिलिंग के लिए 2 उबले हुए आलू कटे हुए, 1/2 कप अंकुरित मूंग या उबली हुई मूंग, 1/2 कप उबला हुआ चना, 10 से 12 मैदे की पापड़ी, 1 कप दही, 4 दही के बल्ले, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 कप इमली की चटनी, 2 बड़े चम्मच हरी मिर्च की चटनी, 1/2 कप सेव और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके लिए सबसे पहले तली हुई कचौड़ी लेकर इसके बीच में एक बड़ा सा छेद करें और इसमें उबले हुए आलू, अंकुरित मूंग या उबली हुई मूंग, उबला हुआ चना, दही में भीगी हुई पापड़ी और मसला हुआ दही का बल्ला डालें और ऊपर से भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, इमली की चटनी, दही, हरी मिर्च की चटनी, सेव और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे सर्व करें। वेलकम बैक, खाना खजाना में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं हमारा चाट स्पेशल और दीपिका मेरे साथ में है और इतनी सारी चीजें देखकर उनका दिल कर रहा है कि खा जाओ सब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये जो है, मैंने अभी जो ये गोलगप्पे बनाए थे, अब उसको सिर्फ ऐसे खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा जब तक उसका पानी ना बनाया जाए। हमारे पास बहुत सारे चिट्ठियाँ आती हैं, पत्र आते हैं, लोग कहते हैं कि चाट बाहर खाने का दिल करता है लेकिन समझ नहीं आता हाइजीनिक है या नहीं है, जबकि आजकल तो चाट वाले सब वो मिनरल बॉटल लेके उसमें सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी घर में बनाने का दिल करता है। पानी पूरी की पूरी बना ली है तो अब पानी उसका बनाया जाए। खुशबू तो ऐसी आ रही है कि मैं भी सीख लेती हूँ। चलिए इसका जो पानी है इसको कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। नॉर्मल अगर जो पानी बनाना है तो बढ़िया बनता है अगर पुदीने का पानी बने तो। यू टेक मिंट लीव्स, फ्रेश मिंट लीव्स, इसके साथ में हरी मिर्च और थोड़ा धनिया लेकर पीस लेना है। जैसे चटनी बनती है तो वो ये पीसा हुआ है पुदीना, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया और इसको इसमें ले लेते हैं। ये पानी बनाने का तरीका कितना सिंपल है। इसके अंदर अब मसाले जो डालने हैं वो मैं पहले बता देता हूँ क्या क्या डालना है। पानी डालने से पहले एक तो नमक, उसके साथ साथ काला नमक रॉक सॉल्ट, ये जो है ये बड़ा ज़रूरी है। दोनों साथ में? दोनों साथ में, इसके बिना टेस्ट आएगा ही नहीं। अच्छा। ये चाट चाट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ लाल मिर्च, कम डालूं ज़्यादा? नहीं कम कम नहीं, बस क्यों? रोते जाओगे? नहीं नहीं रुलाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रुलाएंगे। और उसके साथ जीरा, भुना हुआ अच्छा जीरा पिसा हुआ, ये थोड़ा सा ज़्यादा। इन सब चीज़ों को अगर मिक्स कर ले और अब इसके अंदर पानी डाल के चिल कर लें फ्रिज के अंदर और बाद में नींबू का रस डालें और या इमली का पल्प मिक्स करें। ऐसे तो सब लोग बना सकते हैं पर थोड़ा सा कुछ अगर अलग कर दिया जाए। आप जैसे मिर्च से कैसे आपको डर लगा, तो क्या करते हैं जब चाट वाले के पास जाते हैं कि गोलगप्पे तो दें, थोड़ा मीठी चटनी डाल के देना। ज़्यादातर लोग करते हैं वो इसलिए क्योंकि तीखा भी खाना पड़ता है लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है, तो इसलिए उसको थोड़ा मीठा कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मीठा ही करना है तो कुछ और इसमें नया क्या किया जाए, तो पानी की जगह अगर कोई जूस इसके अंदर डाला जाए। अरे नॉट अ बैड आइडिया, है ना। तो मैंने जूस रखा हुआ है यहाँ पे। ये कौन सा जूस है? हाँ ये डालते हैं पहले फिर बताएंगे।
ये ब्लैक ग्रेप्स, काले अंगूर का रस. वेरी गुड, दिस इज संजीव कपूर टच. ये जो काले अंगूर है फ्रेश भी मिलता है वैसे बाजार में भी आजकल, तो सब टेट्रा पैक में सब कुछ तैयार मिल जाता है. नहीं अभी तैयार नहीं हुआ. नहीं हुआ, नहीं नहीं कोई बात नहीं कर सकते. नहीं, अभी तो बहुत कुछ चीजें इसमें डालनी है. जैसे इसमें नींबू का रस हमने नहीं डाला है, अंदाज से. हाँ हाँ, जितना टेस्टी लगे उसके हिसाब से. अच्छा, और एक, जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा. तो नॉर्मली तो क्या करते हैं वो लोग, जैसे मटके में डाल के रखते हैं और फिर बर्फ वगैरह सब डालते हैं, तो चाहे तो मटके में भी डाल सकते हैं इसे. ज्यादा अच्छा लगेगा है ना देखने में. खैर, इसमें पहले आइस डाल देता हूँ मैं. अच्छा, ये अगर बना के हमने रखा हुआ इमली का, तो थोड़ा सा ये भी डालें तो कैसा रहेगा. है ना. और इसके साथ साथ इसमें डालना है मुझे कुछ पुदीने के पत्ते. पुदीने के पत्ते तोड़ के, लेकिन इसे चॉप कर लेता हूँ. वो इसलिए ताकि थोड़ा और पुदीने का फ्लेवर आए, खुशबू भी है. हाँ, खुशबू बहुत अच्छी आएगी पुदीने के पत्तों की. फ्रेश एकदम डालेंगे तो. वैसे तो पीस के डाला ही है. सी, नॉर्मली जब आप बाज़ार में खाते हैं तो इस तरह से पुदीना नहीं मिलेगा. ये मेहनत वाला काम है, लास्ट मिनट घर में ही बनता. ये घर में होगा. और कोई पार्टी अगर हो रही हो तब उसके लिए थोड़ा सा फ्रेश फ्लेवर मिले. अच्छा, पार्टी से मुझे याद आया कि किटी पार्टी में कुछ ऐसे चाट वगैरह बनाई जाती है. नहीं बनाई जाती है. आई थिंक अब मेरी किटी है, हवाई. अच्छा, किटी. ओके. उसमें मैं ये चाट बनाऊंगी जाके. अच्छा. उनको खिलाऊंगी जबरदस्ती. फिर पता नहीं उनको लोग. हाँ. यहाँ से धुआं निकलेगा, यहाँ से धुआं. नहीं तो कम मिर्च डालें. नहीं, डिपेंड करता है कैसा, कितना. कुक्कू की किटी है ना, स्पाइसी होनी चाहिए. स्पाइसी होनी चाहिए. तो स्पाइसी. उसके साथ में लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि बूंदी डाल के रखते हैं पानी के अंदर. बाजार में बनी बनाई मिलती है. उसको थोड़ा पानी के अंदर भिगो के पानी निकाल लिया. अच्छा, अब ये अगर गोलगप्पे तैयार हैं घर में बनाने तो अच्छा है, नहीं तो बाजार से भी ला सकते हैं. पानी तैयार है, अंगूर का पानी. कुछ जगह मैंने सुना है, देखा है, कुछ फिल्मों में भी यूज़ किया, लोग रम, विस्की, वोडका डाल के भी देते हैं. खैर, ये अंगूर का पानी जो है एकदम कोई भी बच्चे भी. अच्छा, तो अब इसमें जैसे कुछ भी डालना हो, जैसे ये. दिस इज बॉइल्ड. हाँ, ये बॉइल्ड है हल्की सी. स्प्राउटेड आप डाल सकते हैं, जैसे मूंग दाल हो सकती है, मोठ डाल सकते हैं, चना डाल सकते हैं. और उसके बाद पानी. वाओ, है बहुत अच्छा लगा. बहुत आसानी से आपने मुझे बना के बताया. बहुत मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि तू ये संजीव कपूर के शो में जा रही है, तू क्या बनाने वाली है. आई सेड, देखते हो सबसे इजी थिंग, मैं बच गई, आपने पानी पूरी बना दिया. सेकंड से मैंने बनाया है. बिल्कुल. और वैसे किसी को बनाने के लिए बोले तो लोग आसानी से बना नहीं सकते, डरते हैं, बाजार से खा लेते हैं क्योंकि पता नहीं कैसे बनता है, कैसे टेस्ट आता है. बट इफ़ यू सी, इट्स सो सिंपल. और नयापन भी इसमें हमने दे दिया, खट्टा मीठा एकदम बढ़िया, अच्छा सा टेस्ट. यदि आपको ऐसा टेस्ट लेना हो तो इसी तरह से खाना खजाना देखते रहें. और इनकी हेल्प चाहिए तो किटी पार्टी देखते रहो. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. काले अंगूर के पानी वाली पानी पूरी, इसके लिए 20 से 24 गोलगप्पे या पानी पूरी, 1 लीटर काले अंगूर का रस, 2 बड़े चम्मच इमली का रस, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 15 से 20 पुदीने के पत्ते कटे हुए, 4 बड़े चम्मच बूंदी, 4 बड़े चम्मच पुदीने की चटनी. पुदीने की चटनी बनाने के लिए आधा कप पुदीने के पत्ते, आधा कप धनिया के पत्ते और 3 से 4 हरी मिर्च. पुदीने की चटनी बनाने के लिए पुदीने, धनिया और हरी मिर्च को पीस लें. और अब इसमें नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना और पिसा हुआ जीरा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इस पिसी हुई चटनी में काले अंगूर का रस, नींबू का रस, बर्फ, इमली का पेस्ट, बूंदी और कटा हुआ पुदीना डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें. और गोलगप्पे को सर्व करने के लिए उसमें छेद करके अंकुरित मूंग, चना या उबले हुए आलू भरकर
इसमें अंगूर का पानी डालें और इसे तुरंत सर्व करें।